या तोरा। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। जन शिक्षण संस्थान और चेतना बिलासपुर द्वारा भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा चलाई जा रहे प्रशिक्षण शिविरों के तहत आज श्री नैना देवी जी के जन शिक्षण संस्थान में 3 केंद्रों के लखाला, बेहल और झिड़िया, इन तीनों केंद्रों की प्रशिक्षु महिलाओं का असेसमेंट किया गया, जिससे कि इन तीनों केंद्रों में आने वाली महिलाओं का प्रैक्टिकल भी लिया गया, जिसमें आज मुख्य तौर पर चेतना संस्थान बिलासपुर के निदेशक अरुण गौतम और भाजपा लोअर मंडल श्री नैना देवी जी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष कविता शर्मा उपस्थित रहे। महिला मोर्चा की अध्यक्ष कविता शर्मा ने बताया कि भारत सरकार सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा इन संस्थाओं में विभिन्न कोर्सों के प्रशिक्षण हेतु सभी महिलाओं को मुफ्त में सामान भी वितरित किया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम अरुण कुमार गौतम और मैं डायरेक्टर चेतना संस्था बिलासपुर से हूँ। यहाँ जो आज हो रहा है, ये जन शिक्षण संस्थान के जो भारत सरकार की एक स्कीम है, उसके तहत यहाँ पर जो हमारे कोर्सेज रन हो रहे हैं, आज उनका असेसमेंट हो रहा है। चेतना संस्था, जैसे आप सभी जानते हैं कि बिलासपुर में स्थित हैं और इसकी जो संस्थापिका हैं डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी हैं, और उन्हीं के ही प्रयासों से हम लोगों ने एक और भारत सरकार की एक स्कीम चलाई है जिसका नाम जन शिक्षण संस्थान है। इस स्कीम के तहत 1 अक्टूबर से हम लोग डिफरेंट कोर्सेज रन कर रहे हैं और जो कि बिलासपुर ज़िले में अलग अलग क्षेत्रों में चलाए जा रहे हैं, और आज इसी संदर्भ में यहाँ पर जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं उनकी 3 कोर्सेज के असेसमेंट यहाँ हो रही है। और इन कोर्सेज के बारे में अगर आप देखना चाहें तो जो भारत सरकार का पोर्टल है जन शिक्षण संस्थान, वहाँ पर विस्तार पूर्वक जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी। पर जो हम लोग जन शिक्षण संस्थान चेतना के माध्यम से कोर्सेज चला रहे हैं, उनमें मुख्यतः हैंड क्रोशिए का कोर्स है, असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट, असिस्टेंट हेयर स्टाइलिस्ट और फूड प्रोसेसिंग, और इसके साथ साथ सेल्फ एम्ब्रॉयडरी का कोर्स भी है, और इसके साथ एक छोटा कोर्स भी है हैंड एम्ब्रॉयडरी का। तो ये कोर्सेज हम लोग चला रहे हैं। तो आज जो असेसमेंट चल रही है उसके बारे में जो हमारा स्टाफ यहाँ पर आया है और जो हमारी APO हैं मैडम कविता जी आपको बताएंगी, और साथ में जन संस्थान का जो मेरा स्टाफ आया है उसमें राकेश जी हैं जो अकाउंट ऑफिसर के पद पर हैं, और पवन जी हैं जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं। अच्छा, और साथ में विनोद जी हैं जो हमारे ऑफिस अटेंडेंट के तौर कार्य कर रहे हैं। तो कुछ और ठीक है, थैंक यू। गीता शर्मा, महिला मोर्चा अध्यक्षा नैना देवी विधानसभा की हूँ, लोअर मंडल की, और आज मैं श्रीमती मल्लिका नड्डा जी का और आदरणीय रणधीर शर्मा जी का, हमारी चेतना संस्था के डायरेक्टर अरुण गौतम जी का, हमारे डाटा ऑपरेटर राकेश शर्मा जी का, इनका धन्यवाद करती हूँ कि हमारी लोअर मंडल में ये एक नया प्रशिक्षण शिविर लेके आए हैं और हमारी 240 औरतें जो हैं वो लाभान्वित हो रही हैं। काफ़ी औरतों में उत्साह है सीखने का, सिखाने का। इसके साथ हमारे 11 रिसोर्स पर्सन भी जुड़े हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी हम ऐसे ही काम करते चलें। मैडम हमें और आदरणीय रणधीर शर्मा जी के सहयोग से ऐसे ये प्रशिक्षण शिविर आगे भी चलते रहें। आज देखा जाए तो ये 1 अक्टूबर से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक चलेगा, और इस पूरी कंस्टिट्यूंसी में इस टाइम हम 200-250 औरतों को ये लाभान्वित कर रहे हैं। आगे भी इनसे अनुरोध रहेगा कि आगे भी ऐसे ऐसे कोर्सेज हमारे लोअर मंडल को देते रहें और हमारी महिलाओं को ये प्रशिक्षण देते रहें। और मैं इसी के साथ सबका धन्यवाद करती हूँ, सारी महिलाओं का, साथ में हमारे भरत जो हमारे प्रेस रिपोर्टर हैं, हमारी चेतना संस्था स्टाफ का, जैसे स्टाफ का, आदरणीय रणधीर शर्मा जी का, मल्लिका नड्डा जी का धन्यवाद। जय माता की। कहाँ से? झिड़िया से। झिड़िया टोपा? हाँ जी। अच्छा मैडम, यहाँ पे आप कब से आ रहे हैं और क्या सीख रहे हैं? सर 1 अक्टूबर से आ रहे हैं हम, और कढ़ाई का कोर्स कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आपने काफी कुछ सीखा है? हाँ जी। तो ये कब तक चलेगा आगे? सर हमारा तो अभी मार्च तक है। मार्च तक? हाँ जी। ठीक है, धन्यवाद।